व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल राउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत जानकारी देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। हालांकि आज मैं बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ, फिर भी अगर ध्यान रखें, अगर आप अपने घर में कछुआ पालते हैं, मैंने पाला हुआ था, परसों के दिन ही बहुत बुरी तरीके से वो मरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा सैडी हूँ मैं उसके लिए, और कुछ वीडियो बनाने के लायक भी नहीं रही। पर मैंने सोचा कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा किसी दूसरे कछुए के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने घर में कछुआ पालते हैं, मेरे कछुए को क्या है, उसे बहुत बाहर रहना अच्छा लगता था, पानी में उसे पसंद नहीं आता था, तो हम बाहर भी रखते थे और पानी में भी रखते थे। फिर उसको जब भी हम रखें तो वो चुपचाप एक जगह सोए रहता था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, कभी कभी बस जाता था, वैसे अक्सर सोता था। तो उसे भी हमने वैसे उस दिन मैंने बाहर निकाल के रखा तो वो सो रहा था, मैंने देखा शाम को वो सो रहा है। फिर मैं अपना खाना बनाने चली गई, फिर जब रात को हम सोने गए, तकरीबन ये 4-5 घंटे की बात है, रात को सोने गई तो मैंने देखा वो नहीं है। तो पता, जब मैं बहुत ढूंढा तो मुझे मेरे पलंग के नीचे वो उल्टा पड़ा मिला। तो मैंने उसे झाड़ू से खींच के बाहर किया, छोटा सा ही था, तो मैंने देखा कि पूरा उल्टा पड़ा हुआ है, और नीचे के साइड से पूरा उसका पैर खा गया है, एक चूहे ने ये हरकत की है। अब आप सोचिए उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, जो मेरे को इतना बुरा लगा, उसको नोच नोच के उसका पूरा पीछे का एक पैर खा गया, उसके नीचे जो कवर होता है उसको भी उसने खा लिया, और इतनी उसको तकलीफ़ हो रही थी, मेरे को तो एकदम शॉक्ड हो गई। फिर मैं भागते हुए मैंने उसको फिर पानी में रखा, और थोड़ी देर बाद ही देखा कि वो कुछ ऐसे बुलबुले जैसे छोड़ रहा था। उसने अंतिम टाइम मुझे ऐसे हिलते देखा, मैं जिंदा था। मैंने सोचा ठीक है, शायद बचेगा, कल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली सॉरी वो नहीं बचा सुबह तक। तो बहुत बुरा लगा। प्लीज़ अगर आपने पाला हुआ है तो चूहों से बहुत सावधान रहें, क्योंकि इतनी गंदी प्रजाति है ये चूहे, विश्वास कीजिए इतना नुकसान तो हमें पहुंचाते ही हैं, और ऊपर से उसको इतनी बुरी तरीके से मारा है ना। कल ही मैं उसको छोड़ के आई हूँ, उसकी जो था बचा हुआ अंश, बहुत बुरा बहुत बुरा। प्लीज़ अगर आप कछुआ रखते हैं या आपके घर में कोई भी पेट है तो थोड़ा सा सावधान रहें, और ख़ासकर कछुए के लिए। प्रॉब्लम यह है कि कछुआ आपको आवाज़ नहीं करता, तो उसको जो तकलीफ़ हो रही है उसको पता भी नहीं चलेगा। मैंने फिर कल पूरा पलंग हटा के साफ किया, नीचे ब्लड था बहुत लंबे समय तक, मतलब काफ़ी लंबा ऐसा खिंचा हुआ, मतलब उसको मार के कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, और तब तक भी वो जिंदा था जब मुझे मिला। फिर पानी में डालने के बाद सुबह मैंने देखा कि वो नहीं बचा। तो प्लीज़ प्लीज़ चूहों से बहुत सावधान रहें। आपके घर में चूहे आते ही आप जो केक आते हैं उसे डालें, उसे हटाएं, बिल्कुल भी मौका मत दें। बहुत ही खूंखार हैं ये चूहे, बताइए पूरे उसको खा गए। तो प्लीज़ सावधान रहें अपने पेट्स की, अगर आप प्यार करते हैं तभी पालते हैं, और अपने पेट्स का आप ध्यान रखें। तो चूहों से सावधान रखें, बिल्कुल पानी में ही रखिए कछुओं को, बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर रहने से ही वो चला गया, वरना वो ठीक रहता। पानी में भी रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो कौए वगैरह आते हैं, चील आते हैं, बाहर हम कई बार रख देते हैं बालकनीज में, वो सब ना करें, बचा के रखें अपने पेट्स को। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरी।